जमुना नाम की एक औरत गांव में रहा करती थी। उसकी दो बेटियां थीं, सीता और गीता। सीता हमेशा अपनी माँ की मदद किया करती थी, कोई शैतानी नहीं करती थी, और उधर गीता हमेशा शैतानी करती और अपनी माँ को परेशान किया करती थी। मगर दोनों हमेशा खुश रहती थीं और अपने घर में अपनी माँ की हर बात को मानती थीं। एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उनके घर के अंदर आ गया। गीता ने कहा, अरे माँ देखो कितना प्यारा बच्चा है, माँ इसे हम घर में रख लेते हैं ना, इसे पाल लेते हैं, कितना प्यारा है। माँ और बेटी छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगे, मगर सीता को तो कहीं भी बिल्ली का बच्चा नजर ही नहीं आ रहा था। वो बिल्ली का बच्चा उसे एक राजकुमारी दिखाई दे रहा था। कहाँ है बिल्ली का बच्चा? मुझे तो यहाँ बहुत सुंदर राजकुमारी दिख रही है, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सीता बहुत हैरान थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी गीता कहती है, माँ मान जाओ ना, इसे पाल लेते हैं, कितनी प्यारी बिल्ली है। हाँ हाँ ठीक है, पाल ले, मगर इसका ख्याल अच्छे से रखना, किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। और क्या सीता, इतना प्यारा बिल्ली का बच्चा है, आज तुझे शैतानी सूझ रही है क्या? कोई भी सीता की बात को सच नहीं समझता। गीता और उसकी माँ उसे बड़े अच्छे से पालने लगते हैं और रात को सो जाते हैं। सो जाने के बाद सीता उस बिल्ली के बच्चे के पास आती है। मुझे अब एक परी नजर आ रही है, बताइए आप कौन हैं? वो सच में बिल्ली का बच्चा नहीं एक परी होती है। परी सीता से कहती है, आपने मुझे पहचाना है, आपके हाथों में ही मेरा जीवन है। ये सच है कि मैं एक परी हूँ, बस एक श्राप के कारण मैं और मेरा भाई बिल्ली और बिल्ला बन चुके हैं। मैं अपने भाई की तलाश कर रही हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो आप मेरे भाई को मुझसे मिलवा सकती हैं। क्या इतना बड़ा श्राप? बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ? बस इतना जानती हूँ कि मेरा भाई ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आस पास ही होगा। सुबह होते ही सीता सारी बात अपनी माँ और गीता से कहती है। दोनों हैरान रह जाते हैं, मगर सीता कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसीलिए उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ जरूर ये बिल्ली सच में परेशान है। हाँ गीता ये सही कह रही है, जाओ बेटा पास के दो चार गांव में ढूंढ कर आओ, क्या पता इसका भाई मिल जाए। दोनों बहनें आस पास के गांव ढूंढने लगती हैं। थक हार कर वो घर लौट ही रही थी कि अचानक उन्हें एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सीता वहां देखती है, वहां उसे एक सुंदर राजकुमार नजर आता है। हाँ यही है, बिल्ली दौड़कर अपने भाई के पास चली जाती है। दोनों भाई बहन मिल जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और सीता को धन्यवाद करते हैं। बिल्ली जो एक बहुत सुंदर परी होती है असली रूप में आती है और सीता और गीता को धन के भंडार दे देती है। दोनों का जीवन बदल जाता है और राजकुमारी बिल्ली अपने घर अपने भाई के साथ लौट जाती है। शुक्रगुजार चील। एक जंगल में जिनको नाम का एक चील रहा करता था, वो अपने खाने के लिए शिकार किया करता था। एक दिन रोज की तरह वो शिकार करने निकला। वह आसमान में उड़ रहा था और जमीन पर किसी शिकारी की तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में उसे एक छोटा जमीन पर लेटा हुआ कुछ नजर आया। आखिरकार एक शिकार मिल ही गया। जिनको तेजी से उड़कर जमीन पर लेटे हुए चूहे की तरफ गया, लेकिन तभी वो एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। अरे बचाओ बचाओ मुझे निकालो, मैं इसमें फंस गया हूँ, कोई मदद करो, अरे ये क्या हो गया? शिकारी जिनको को अपने जाल में देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आ गया ना जाल में, मजा आ गया, अब इसे ले चलूंगा अपने साथ। मुझे छोड़ दो, ये शिकारी, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस आज मुझे छोड़ दो। शिकारी को जिनको की बात सुन उस पर दया आई
और उसे जाल से निकालकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। एक दिन शिकारी एक कच्ची दीवार के नीचे बैठा खाना खा रहा था। जिनको ने उस शिकारी को दोबारा से देख लिया। ओह नहीं नहीं, ये दीवार तो टूटने ही वाली है। मुझे शिकारी को बचाना होगा, आखिर इसने भी मेरी जान बचाई थी। जिनको उड़ते हुए शिकारी के पास गया और उसका खाना चुरा कर वहां से भाग गया। शिकारी जिनको के पीछे पीछे भागने लगा और ऐसा करते हुए वो काफी दूर तक आ गया। पीछे से कच्ची दीवार टूट कर गिर गई। अरे ओ मेरे खाना चोर, छोड़ छोड़ मेरे खाने को। जिनको ने फिर शिकारी का खाना के नीचे आराम से रख दिया और वहां से चला गया। शिकारी ने अपना खाना उठाया और पीछे को टूटी हुई दीवार की तरफ देखा और सारी बात उसकी समझ में आ गई। अरे यही चील थी, उसी ने मेरी जान बचाई है। यदि मैं उस दीवार के नीचे बैठा रहता तो आज तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। ओह समझ गया, कर भला तो हो भला। उस दिन इस चील की जान बख्श कर मैंने एक अच्छा पुण्य कमाया था और आज इस चील ने मेरी जान बचा ली। इस तरह जिनको ने अपना वादा निभाया और शिकारी की जान बचाई। मछली रानी का तेल चोर को सबक। चंद्रनगर में सोनू नाम का एक आदमी रहा करता था। चोरी करना उसका पेशा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसका चोरी करना और चोरी का सामान बेचना मुश्किल होता जा रहा था। क्या करूं? इतना सारा सामान पड़ा है लेकिन बिक ही नहीं रहा, कैसे धंधा चलेगा? कुछ और चोरी करने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। ओह क्या करूं? तभी वो न्यूज में देखता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। यह सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वह पेट्रोल चोरी करने के बारे में सोच लेता है। ये ठीक रहेगा। सोनू अब रात को गली मोहल्लों में खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करना शुरू कर देता है और अपने संपर्कों द्वारा उसे सस्ते दाम में बेचना भी। लोग भी सस्ता पेट्रोल जानकर उसे खरीदने लगते हैं और उसका पेट्रोल चोरी का धंधा चल निकलता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और सीधा पेट्रोल पंप के पेट्रोल टैंकों से ही चोरी की जाए। लेकिन ये कैसे करूं? तभी वहाँ एक अंग्रेजी मूवी पिक्चर चल रही होती है। एक मछली की मदद से पानी के अंदर पाइप डाला जा रहा था। यह देखकर उसके मन में भी एक आइडिया आ जाता है और तभी वो दो जिंदा छोटी मछलियाँ खरीद कर ले आता है और उन्हें पानी की जगह पेट्रोल के टैंक में रखना शुरू करता है। मछलियाँ पेट्रोल के टैंक में ही बड़ी हो जाती हैं और उन्हें पेट्रोल की आदत हो जाती है। अब सोनू उन्हें पेट्रोल के टैंक के अंदर पाइप ले जाना सिखाता है। जल्दी ही सोनू मछलियों को सब कुछ सिखा देता है, ट्रेंड कर देता है और फिर बड़े बड़े पेट्रोल के स्टोरेज टैंक पर मछलियों को चुपचाप डालकर उस पाइप के जरिए तेल खींचने लगता है। सभी लोग परेशान थे कि पेट्रोल चोरी तो हो रहा है लेकिन चोर कहाँ है? और सोनू से पेट्रोल लेने वाले लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें सस्ते में पेट्रोल जो मिल रहा था, इस धंधे में दोनों का बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन मछलियाँ पेट्रोल में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। बहन मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं अब हमें कब साफ पानी मिलेगा। दूसरी मछली कहती है, हाँ बहन तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करें, हम तो कैदी बन चुके हैं ना। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और पास ही नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। सोनू अपनी मछलियों को लेकर पेट्रोल के टैंक के पास जाता है तो वहाँ भी पूरा पानी भरा होता है। सोनू मछलियों को टैंक में डालता है, तभी मछलियों को वहाँ पर नदी की कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन मछलियों की हालत देखकर मछली रानी पूछती है, तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई और तुम तो पेट्रोल में डूबी हुई हो, बात क्या है? मछलियाँ रानी मछली को सारी बात बताती हैं। दोनों की बात सुनकर रानी मछली अपनी पिराना मछली की फौज को बुलाती है और जैसे ही सोनू तेल चोरी करने के बाद मछलियों को लेने के लिए आता है, सभी मछलियाँ उस पर धावा बोल देती हैं, उसके पैरों को काटने लगती हैं और उसकी पाइप को भी काट डालती हैं।
सोनू बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागने लगता है और दोनों मछलियाँ रानी मछली का शुक्रिया अदा करती हैं और उनके साथ वापस चली जाती हैं। सोनू को चिल्लाता देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बचाने के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। पुलिस बहुत जल्द सोनू को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था, गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे, बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई, पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूँ। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौओं को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज कितनी सुरीली है। इतना काए काए करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे कितने खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना, यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा ना आता, कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त, आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना? हाँ हाँ जरा दूर निकल गया था, इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं, जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ, तुम कल आओगे ना? क्या कहा, तुम खुश हो? जानते हो तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे, क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो, ये आजादी, ये उड़ना आसमान में, आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है।